अगर आपकी नींद भी सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच खुलती है तो जानिए इस वीडियो में कि ऐसे में आपको क्या संकेत मिलते हैं। साथ ही इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ऐसे में आपको एक क्या काम है जो जरूर कर लेना चाहिए, वरना आप अपना ही नुकसान कर बैठते हैं। इसी के साथ मैं आपको बताऊंगा ऐसे संकेतों के बारे में जिससे आप जान सकते हैं कि भगवान आपसे खुश हैं और जल्द ही आप धनवान बनने वाले हैं। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखें हर हर महादेव। दोस्तों इंसान की किस्मत चमकने से पहले ऊपर वाला ये 3 संकेत जरूर देता है। इनमें से एक संकेत तो शायद ही किसी इंसान को मिला हो। क्या आप हैं वो इंसान? आइए देखते हैं। दोस्तों पुरानी कहावत है कि जब भी ऊपर वाला मेहरबान होता है तो दौलत छप्पड़ फाड़ के देता है। भगवान का साथ और इंसान की मेहनत अगर दोनों मिल जाएं तो उस व्यक्ति को बुलंदियों को छूने में देर भी नहीं लगती। लेकिन क्या आपको पता है कि भगवान भी व्यक्ति के कामयाब होने से पहले 3 संकेत जरूर देते हैं? आपको बता दें, ऐसा हम नहीं कह रहे बल्कि ऐसा पुराणों में ही कहा गया है। जब भी व्यक्ति के अच्छे दिन आने वाले होते हैं तो ईश्वर उसे ये संकेत अवश्य ही देते हैं। आप भी जान लीजिए क्या आपको मिले हैं ये संकेत, आइए जानते हैं। लेकिन दोस्तों उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाले बेल आइकन को भी जरूर से दबा लें। नंबर 1, अगर किसी व्यक्ति की नींद अचानक से बार बार रात के 3 बजे के बाद खुलती है तो उसे मामूली बात नहीं समझें। ये संकेत बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि रात के 3 बजे के बाद देवी देवताओं की शक्तियां जागृत हो जाती हैं, जो आपसे बहुत कुछ कहना चाहती हैं, और ऐसे में आपका बार बार 3 बजे के बाद उठना कामयाबी का संकेत है। वहीं रात के 3 बजे के बाद देवी देवताओं से मांगा हुआ वरदान कभी खाली नहीं जाता। ईश्वर आपकी प्रार्थना अवश्य सुनते हैं। लेकिन ऐसे में आपको ये काम जरूर कर लेना चाहिए जो स्वयं ईश्वर आपसे चाहते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपको शुभ फल की प्राप्ति नहीं होती। क्या है वो काम, ये भी हम आगे इसी वीडियो में बताएंगे। लेकिन आइए उससे पहले हम जान लेते हैं ऐसे ही कुछ और संकेतों के बारे में जिनसे पता चलता है कि ईश्वर आपसे प्रसन्न है। नंबर 2, अगर आपको आपके सपने में ऊंचे ऊंचे पर्वत दिखाई देते हैं और वहां से बहता हुआ झरना आपको दिखाई देता है और ऐसे में आप उस जल को पी भी लेते हैं तो निश्चित तौर पर आपको कामयाबी अवश्य ही प्राप्त होने वाली है। और इस संकेत का मतलब है कि खुद ईश्वर आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। नंबर 3, शास्त्रों के अनुसार अगर आपके सपने में देवी देवता दिखाई देते हैं तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि सपने में देवी देवता का आना अत्यंत लाभकारी है। सपनों में देवी देवताओं का आना एक पवित्र व्यक्ति होने का संकेत है और ऐसे व्यक्ति को कामयाबी चुटकी भर में ही हासिल हो सकती है। लेकिन ऐसे सपने कभी भी किसी को भी भूलकर शेयर ना करें। दोस्तों नंबर 4, पूर्वाभास। यदि आपको आने वाली घटनाओं का पहले से ही ज्ञात हो जाता है या आपको पूर्वाभास हो जाता है तो आप समझ जाइए कि दैवीय शक्तियों की आप पर कृपा है। नंबर 5, पारिवारिक प्रेम। आपकी पत्नी, बेटा, बेटी और आपके सभी परिजन आपकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं। वो सभी आपसे प्यार करते हैं एवं आप भी उनसे प्यार कर रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि दैवीय शक्तियां आपसे प्रसन्न हैं। नंबर 6, भाग्य से भी तेज। जीवन में आपको अचानक से लाभ प्राप्त हो जाता है। आपके किसी भी कार्य में किसी भी प्रकार की आपको बाधा उत्पन्न नहीं हो रही है और सभी कुछ आपको बहुत आसानी से मिल जा रहा है, तो आप समझ जाइए कि दैवीय शक्तियां आपकी मदद कर रही हैं। नंबर 7, सुगंधित वातावरण का एहसास। यदि कभी कभी आपको ये महसूस होता है कि मेरे आसपास कोई है या आपको बिना किसी कारण ही अपने आसपास सुगंध का एहसास हो रहा हो तो समझ जाइए कि अलौकिक शक्तियां आपके आसपास ही कहीं मौजूद हैं। नंबर 8, सुहानी हवा। आप पूजा कर रहे हैं और यदि आपको लगे कि अचानक से सुहावनी हवा का झोंका आया है या शरीर में कुछ अचानक दौड़ता सा प्रवाह महसूस हो, ऐसा तो पहले कभी ना हुआ हो, तो समझ जाइए कि देवी या देवता आपसे प्रसन्न हैं। नंबर 9, ठंडी हवा का घेरा। भूमि पर रहते हुए भी कभी कभी आपको ये एहसास हो कि मेरे आसपास ठंडी हवा
या एक बादल का कोई पुंज है जिसने मुझे घेरा हुआ है, तो आप समझ जाइए कि अलौकिक शक्तियाँ व दैव्य शक्तियाँ आपको घेरे हुई हैं। ऐसा अक्सर बहुत ज्यादा पूजा पाठ करने वाले व्यक्तियों के साथ ही होता है। नंबर 10, रोशनी का पुंज। अचानक ही आपको तेज रोशनी का पुंज दिखाई दे जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो, या आपको अचानक ही कानों में मधुर संगीत सुनाई दे और आप आश्चर्य में रह जाएं कि यहाँ आसपास तो कोई संगीत बज ही नहीं रहा, फिर भी वो मुझे कानों में सीटी की तरह कैसे सुनाई दे रहा है, तो आप समझ जाइए कि आप दैव्य शक्तियों के सानिध्य में हैं। ऐसा अक्सर उन लोगों के साथ होता है जो निरंतर ही अपने इष्ट देव का मंत्र जाप करते रहते हैं। दोस्तों, नंबर 11, किसी की आवाज सुनाई देना। आप रात्रि में गहरी नींद में सो रहे हैं और आपको लगता है कि किसी ने मुझे आवाज दी और आप अचानक ही उठ जाते हैं, लेकिन फिर आपको आभास होता है कि यहाँ तो कोई नहीं है, लेकिन आवाज तो स्पष्ट थी। ऐसा आपके साथ कई बार हो जाता है, तो आप समझ जाइए कि आप पर किसी अलौकिक शक्ति की मेहरबानी है। ऐसे में आप हनुमान जी का ध्यान करें और धन्यवाद दें। नंबर 12, सपने में अगर आपको हरे भरे बाग बगीचे या फिर खेत खदान दिखाई दें, यानी चारों तरफ हरियाली ही हरियाली दिखे, तो इसका मतलब है कि आपको जल्द ही धन प्राप्ति होने वाली है। इसी तरह यदि आपको सपने में शंख और मंदिर की घंटियां सुनाई देने लगे, तो इसका मतलब आपके पास किसी न किसी माध्यम से धन आने वाला है। नंबर 13, सपने में उल्लू दिखना भी धन की प्राप्ति का संकेत माना गया है। सपने में लाल साड़ी वाली महिला पूर्ण श्रृंगार करे दिखाई दे, तो इसका मतलब है आपको लक्ष्मी माँ ने दर्शन दिए हैं, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति जल्द ही अच्छी होने के संकेत मिल रहे हैं। सपने में गन्ने को देखना भी पैसों के आने का संकेत माना गया है। अगर सपने में आपको सफेद या फिर सुनहरे रंग का सांप दिखाई दे, तो इसका मतलब है कि आपको जल्द ही धन की प्राप्ति होगी, तो ये आपके लिए शुभ संकेत है। कई लोग इसे नकारात्मक शक्तियों से जोड़कर घबरा जाते हैं और उसी वक्त उठकर घर में लाइट जला देते हैं, जबकि ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको सुनाई देने वाली आवाजें नकारात्मक शक्तियों का संकेत हो। इस समय अगर पायलों के चलने की आवाज आ रही है, तो इसका मतलब आपके घर में माँ लक्ष्मी का आगमन हो रहा है। ऐसे में उस समय आपको भयभीत होने की बजाय प्रश्न हो जाना चाहिए व मन में माँ लक्ष्मी का ध्यान करके चुपचाप सो जाना चाहिए। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कौन सा है वो काम जो आपको तब करना चाहिए जब आपकी नींद 3 बजे से 5 बजे के बीच खुले। ऐसे में आपको उस समय वापस सोना नहीं चाहिए। अगर संभव हो तो उस समय उठ जाएं, नहा कर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर पूजा पाठ करें। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक कर दीजिए, साथ ही इसको अपने दोस्तों व रिश्तेदारों के साथ शेयर भी कर दीजिए और हमारे चैनल को आगे भी ऐसे आध्यात्मिक वीडियोस देखते रहने के लिए सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जल्द मुलाकात होगी आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।